गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम न्यू व्लॉग में करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। आज अपनी जो बुकिंग है वो है 8 घंटे 80 किलोमीटर की, जिसका पिकअप है एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से और मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 1। अब वहां से निकला हूं, टर्मिनल 1 से पहुंचता हूं भाई T3 पे। पैसेंजर की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, पैसेंजर बाहर आ चुके हैं, बस वो आ रहे हैं भाई पार्किंग में। जब तक मैं भी पहुंच जाता हूं पार्किंग में और पिकअप करके चलते हैं जहां भी पैसेंजर जाएंगे। काम थोड़ा सा डाउन है ओला उबर का, मैंने सुना है, मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। जितना मुझे काम करना होता है भाई वो काम हो रहा है, पर शायद अगर ड्राइवर भाई बोल रहे हैं तो कुछ काम होगा कम। मगर 15-16 तारीख से 13 जन्म दोबारा से धूम धड़ाके से स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समय बदलेगा, बहारें फिर से आएंगी, कोई समस्या नहीं है। और भाई काम खींचते रहो, पर काम करते रहो, भले ही कम है मगर काम हर रोज करना है। सुबह जल्दी से जल्दी निकल के काम करना है स्टार्ट, और जब शाम को इवनिंग में ट्रैफिक हो जाता है तो थोड़ा भाई ब्रेक ले लिया करो। और जो भाई रात में काम करते हैं उनको 8:30 और 9 बजे के आसपास गाड़ी निकालनी है, और सुबह 10 बजे तक काम करना है। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा भले ही काम कम है। तो भाई मैं तो पहुंच रहा हूँ टर्मिनल 3 की पार्किंग में, करते हैं पिकअप पैसेंजर का और चलते हैं दिल्ली दर्शन के लिए। तो मिलते हैं आपसे भाई पिकअप करने पे, और कहां कहां पैसेंजर जाएंगे उन सारी चीजों के बारे में करेंगे अपडेट, और जानकारियों से भरपूर व्लॉग होने वाला है। कहां कितनी पार्किंग लगती है, कौन सा टाइम रहता है किस मोन्यूमेंट्स का, किस लोकेशन पे क्या टाइमिंग रहती है, कब खुलता है कब बंद होता है, हर चीज के बारे में करेंगे बात। लगे रहो काम करने पे और देखते रहो बीच बीच में मेरा व्लॉग भी। जब आपके पास खाली समय हो तब देखो भाई व्लॉग, काम छोड़ के व्लॉग नहीं देखना है। तो बने रहना भाई आखिर तक, मिलते हैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच के। एरो सिटी भाई, ये लेफ्ट में एरो सिटी चल रही है, पहले 10 मिनट फ्री है, उसके बाद 30 रुपए हाफ एन आवर का पार्किंग चार्ज लगता है। इसमें पिक कर आपको चाहे पिकअप करना हो या ड्रॉप करना हो, तो जहां तक कोशिश है 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाना है भाई। यहाँ से भाई एकदम राइट में निकल जाएंगे ना सीधा, तो टर्मिनल 2 के लिए यू टर्न हो जाएगा, और ये लेफ्ट में हम पहुँच रहे हैं टर्मिनल 3 की तरफ। इसमें भी एक्सट्रीम लेफ्ट स्पॉन्सर कैब के लिए, बीच वाला लेफ्ट डिपार्चर, उससे थोड़ा सा डिपार्चर के राइट में प्राइवेट कार के लिए अराइवल, और ये एक्सट्रीम राइट में भाई टैक्सी के लिए। ये हम जा रहे हैं पार्किंग के लिए, और यहाँ पर भी जो एकदम राइट वाली लेन है वो है ओला और उबर के लिए। और भाई ये जो बीच वाली लाइन है ना, यहाँ से आप जा सकते हो पार्किंग में, चाहे आपके पास प्राइवेट कार हो, चाहे आपके पास टैक्सी हो जिसका चार्ज 200 रुपये पहले आधे घंटे का, उसके बाद धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहेगा। तो भाई टिकट तो भाई जो राइट में गाड़ियां जा रही है ना वो जा रही है ओला और उबर के लिए, बिल्कुल जो ये बैरिकेड लगा रखे हैं इसके उस तरफ जो देख रहे होंगे राइट में एकदम, ये है ओला उबर के लिए। जिस भी भाई का पिकअप ओला से हो उबर से हो वो उस लाइन से जाए। यहाँ से तो एक लाइन है मगर अंदर जाके फिर ओला का अलग हो जाएगा, उबर का अलग हो जाएगा। और ये जो गाड़ी गई है ये गई है पार्किंग में, मैं इस गेट से नहीं जाता हूँ, अगले गेट से जाता हूँ भाई, वो थोड़ा नज़दीक पड़ता है पिकअप पॉइंट के। तो बाकी आप दोनों में से किसी के गेट के अंदर से भी जा सकते हैं। ये भाई कार पार्किंग में एंट्री हो गई है अपनी, ये नीचे जो गाड़ियां खड़ी ना ये है ओला की पार्किंग, और ये ऊपर चढ़ गए हैं भाई पार्किंग में। ये गाड़ी राइट का यू टर्न होके पार्किंग है,
भाई पैदल जाना पड़ेगा लेने के लिए पैसेंजर को, या इन्होंने रास्ता ही बंद कर रखा है पिकअप के लिए। पहुंचता हूँ। ऑफिस के लिए कुछ काम किए हो या करते हो ऐसे कुछ है? नहीं, आपके ऑफिस के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन मगर आपके यहाँ से सचिन आए थे एक बार। हाँ, तो मैं भी सचिन ही हूँ। हाँ, जब तो मैं उन्होंने मुझे आपका नंबर और तो मैं ढूंढ रहा हूँ, सचिन जी तो आए हैं पहले, नंबर सेव नहीं है मेरे फोन में, ऐसा कैसे हो सकता है? पहुंच गए भाई बसंत कुंज, यूएई एम्बेसी, 12 किलोमीटर 20 मिनट एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से। तो चले गए अंदर भाई, जिनको जाना था काम है, जिनको वीजा से रिलेटेड आ जाएंगे तो फिर देखते हैं कहां पहुंचेंगे। तो भाई टाइम कितना, 12 बज गए हैं एग्जैक्ट, और पैसेंजर का काम हो गया है यहां का। अभी देखते हैं कहाँ चलते हैं, शायद कुतुब मीनार चलेंगे, बाकी देखते हैं। बार अभी फोन पे लगे हुए हैं पैसेंजर, गाड़ी में बैठते हैं तो पूछते हैं कहाँ चलना है जी। जबरदस्त ठंडा है बाहर। मैं अंदर भी बैठा था, अंदर सब लोग जैकेट वैकेट डाल के बैठे, मैं अकेला ही था। भाई कुतुब मीनार पहुंच गए हैं, 12:20 हो गए हैं, 15 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। 6 किलोमीटर की राइड थी ये वसंत कुंज पे, जहाँ पे हम थे वहाँ से। पार्किंग में गाड़ी लगा दिया है, 10 रुपये का पार्किंग होता है भाई एक घंटे के लिए यहाँ पे, जिसमें और पैसेंजर के लिए जो टिकट रहता है कुतुब मीनार के लिए वो रहता है 40 रुपये का। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन का काउंटर भी है। सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक ओपन रहता है, 7 दिन ओपन रहता है भाई, कोई इसमें बीच में बंद नहीं रहता है किसी भी दिन। तो पैसेंजर कुतुब मीनार आना चाहें तो ये सारी डिटेल उनको बताइए, और टिकट जहां तक हो सके ऑनलाइन बुक करने के लिए बोलो, ताकि लाइन में ना लगना पड़े भाई। तो चलो भाई, मैं तो बैठा हूँ, पैसेंजर तो ले रहे हैं मज़े कुतुब मीनार में, और अपना तो यही मज़ा है गाड़ी के अंदर ही। तो मिलते हैं भाई पैसेंजर आने के बाद। लजीज पर पहुंच गए भाई, और छोड़ दिया पैसेंजर, खाएगा भी दबा के, और देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे। इसके बाद कहीं जाना है नहीं, सिर्फ इंडिया गेट के सामने से घुमा के एयरपोर्ट ड्रॉप। बाकी अभी खाना वाना आ जाता है तो खाना खाते हैं, करते हैं हम कॉन्टेक्ट। लजीज पर आने का यही फ़ायदा है भाई, कम से कम रोटी पानी तो मिल जाता है। बाकी अपना भाई मिला भाई, कौन सी गाड़ी है वो खड़ी ना, हाई क्रॉस टोयोटा हाई क्रॉस, तो हमारे से बहुत ऊंचा लेवल है इनकी गाड़ी का, तो हमारी तो 4 आ जाएंगी इनके बराबर में। तो चलो भाई करते हैं अभी लंच वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद लजीज अफेयर। भाई खाना खा लेते हैं, गाड़ी में खा लेता हूँ, वैसे तो भाई ऊपर बैठ के भी खाने का इंतजाम है इनके पास, पर गाड़ी में ही ठीक है यार। भाई मंगेश भाई, हमने भी लंच निपटा दिया है, अब तो ब्रिज रसोई पे कर रहे हो कार्रवाई, और खाने के बाद आ गया अपना जूस लेते हैं, फिर उसके बाद पैसेंजर का वेट। आउटर सर्कल पे है भाई लजीज अफेयर, कोई पैसेंजर अगर लंच के लिए बोलता है तो बेफिक्र होकर लेके आओ, बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया इज्जत है ड्राइवर की भी, और पैसेंजर का भी खूब अच्छा सत्कार किया जाता है। तो भाई चलो करते हैं वेट, अपना तो पेट पूजा हो गया है और अभी जूस चल रहा है, मिलते हैं आपसे पैसेंजर आने के बाद। भाई इंडिया गेट पहुंच गए हैं, और टाइम हो गया है करीब 3 बज गए हैं, 2:50, अभी लंच किया था लजीज अफेयर में कनॉट प्लेस में, और 4:30 के आसपास यहाँ से निकल जाना भाई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 5 ड्रॉप करना है। तो यहाँ पहुँच गए हैं इंडिया गेट पे, अभी गए हैं पैसेंजर देखने के लिए, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी, तो आजकल भाई कोई वेंडर है नहीं रोड के ऊपर, सारे खाने पीने बेचने वाले सब गायब कर दिए 26 जनवरी की वजह से। तो भाई देखते हैं अभी कब तक आएंगे पैसेंजर, चलेंगे तो दिखाते हैं भाई आपको 26 जनवरी की हो रही हैं तैयारियाँ इंडिया गेट पे आजकल, जो कि 26 जनवरी आने वाली है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, तो उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है, तो दिखाते हैं आपको थोड़ा भाई।
भाई सीट्स लग गई हैं, 26 जनवरी की तैयारी है। ये भाई वही रोड है कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम था राजपथ, इसी से परेड होते हुए वाया इंडिया गेट से पहुंचती है रेड फोर्ट। ये स्टार्ट होता है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आर्मी बैंड है ना वो घोड़े पे बैठे जो। सामने दोनों पार्लियामेंट हैं इकट्ठे, एक तो नया ही बना है अभी। नहीं नंबर नहीं, बार कोड पे करना होगा सर। अच्छा मैं कर दूं? आ गया यार, नेटवर्क का इशू है, नहीं तो इतनी दूर से हो ही जाता है। सेम सर, मेरा नाम आपको भेजूं कि कैसे? सचिन पुरले करना है आपको, भेज देता हूं। अच्छा मैंने आपको टेक्स्ट करके रखा। ठीक है ठीक, चलो शुक्रिया, अच्छा लगा आपको मिलके। जी जी सर, और कोई आए तो जरूर नंबर करना पास मेरा। ठीक है, आपको आपका ही नंबर जाएगा, और बाकी कोई शिकायत हो तो वो भी बताना जरूर। आज फिर से अपने काम का हो गया भाई एंड, जो कि बुकिंग थी 8 घंटे 80 किलोमीटर की, ऑफिशियल कम दिल्ली दर्शन। तो भाई जाना था यूएई एम्बेसी, वहां गए थे, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद कनॉट प्लेस लंच, उसके बाद इंडिया गेट, और उसके बाद एयरपोर्ट। तो गाड़ी इसमें चली है भाई 50 किलोमीटर, टाइम लगे हैं इसमें 9 बजे से अभी 4:25 हुए हैं, 7 घंटे लग गए भाई। गाड़ी चली 50 किलोमीटर, टाइम लगा 7 घंटे, और ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का। खर्चा इसमें भाई जो भी पार्किंग थी सब कुछ पैसेंजर का था, छोटी गाड़ी की बुकिंग थी 2,500 रुपये 8 घंटे 80 किलोमीटर। मगर ये भाई कंपनी के थ्रू नहीं है, कंपनी के थ्रू तो बहुत कम रेट मिलता, जैसे बहुत सारी कंपनियां 1400-1500 रुपये मिलते हैं 8 घंटे 80 किलोमीटर के। ये डायरेक्ट लिंक से जो अपने खुद के पैसेंजर हैं उनकी बुकिंग थी, तो वहां पे सर्विस आप जैसी दोगे उस हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। तो देख लिया भाई आपने, जैसे जैसे सारा दिन बीता है अपना, सारा आपको अपडेट हो गया है। अब करते हैं इस वाले ब्लॉग का एंड, हम मिलेंगे अब से कल, और रात में चलेगी किस कंपनी में गाड़ी वो आपको करेंगे अगले ब्लॉग में अपडेट। तो गाड़ी तो चलानी है, अभी तो 4:30 हुए हैं भाई, बहुत टाइम है, मगर इस वाले बुकिंग के साथ ही आज के ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड। तो कर देना भाई लाइक शेयर कमेंट कैसा लगे, और काम बिल्कुल ठंडा बिल्कुल मंदा, बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल के अपने ड्राइवर भाई बोल रहे काम नहीं है। तो भाइयों चलो आज के लिए अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।